हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल मशीन पैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं, दोस्तों अगर हमारा सॉकर लीकेज हो जाए, सॉकर से ऑयल निकलने लगे तो उसे कैसे ठीक करते हैं, इसके अंदर क्या पड़ता है और किस वजह से ये सॉकर लीक होता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास गाड़ी आई है, स्प्लेंडर प्लस है, इसका कितनी बुरी तरीके से ये सॉकर लीक है, इसके दोनों सॉकर लीक हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितनी बुरी तरीके से ऑयल निकला है और ऑयल निकलने के बाद यहाँ पर चिपक गया है और गाड़ी चलते हुए ये धूल इसमें चिपक जाती है। दोस्तों अगर लंबे समय तक आप ऐसे ही इसको चलाते रहेंगे तो यहाँ मिट्टी या धूल चिपक जाती है, उससे ही हमारी सॉकर रॉड कट जाती है, ख़राब हो जाती है दोस्तों, और ये काफ़ी कॉस्टली होती है। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो दोस्तों इसको तुरंत ही, इसके अंदर एक सील पड़ती है और ऑयल पड़ता है, उसको डला लें ताकि हम भारी नुकसान से बच पाए। दोस्तों तो ये गाड़ी आई है, अब मैं इसका सॉकर खोलूँगा और आपको दिखाऊँगा सील कहाँ पर होती है और कैसे लीकेज होती है और उसको कैसे डालते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये मैंने सॉकर खोल लिया है, ये इसका सॉकर का लेग है और ये रॉड है। तो दोस्तों अब हमें करना क्या होगा, हमारा अगर सॉकर लीक है तो हमें इसके लिए सॉकर खोलना होगा पूरी तरीके से। खोलने के बाद हमें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक लॉक होती है, इस लॉक को निकालना है सील निकालने के लिए। आप देख पा रहे होंगे ये लॉक है, ये मैंने निकाल दी है, अब इसके अंदर सील है, इसको हम पेचकस की मदद से इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। और ये हमने सील इसकी निकाल दी है, ये देख पा रहे होंगे दोस्तों ये सील ख़राब हो जाती है, तब हमारी गाड़ी का सॉकर लीक करता है और वहाँ से तेल आने लगता है। तो दोस्तों अब मैंने इसको निकाल लिया है, अब मैं इसकी सबसे पहले धुलाई करूँगा। धुलाई करने से पहले एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, इसको कभी भी आप पेट्रोल से ना धोएं, मिट्टी तेल या डीजल से धोएं। दोस्तों पेट्रोल से धोने के बाद होता क्या है, पेट्रोल होता है बहुत ड्राई और ये बिल्कुल, इसको हमें रहना चाहिए बिल्कुल चिकना रहना चाहिए इस रॉड को, और पेट्रोल से धोने के बाद ये बहुत ही सूखा सूखा हो जाता है, जिससे हमारी सील जल्दी लीक होने के चांस रहते हैं दोस्तों। तो कभी भी इसको पेट्रोल से ना धोएं, मिट्टी तेल या डीजल से धोएं दोस्तों। तो मैं इसको साफ़ करने के बाद नई सील लगाऊंगा और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अब ये मैं सील इसमें डालने वाला हूँ, ये सील ओरिजिनल सील है दोस्तों, इसको कैसे करके डालते हैं। दोस्तों इस सील को डालने के लिए इसका कूलर भी आता है, अगर आपके पास कूलर नहीं है, आप घर बैठे काम कर रहे हो तो मैं उस कैसे ठोकते हैं सील को बता दूँ। दोस्तों इस सील को लेना है, सबसे पहले हमें यहाँ इसके अंदर डाल देना है दोस्तों, और फिर किसी भी हथौड़ी की मदद से, दोस्तों ये हथौड़ी है, इसकी मदद से हम इसको आसानी से ठोक सकते हैं। ठोकने के लिए हमें पुरानी सील लेनी पड़ेगी दोस्तों, ये पुरानी सील ऊपर रख दी हमने और इसको हम दोनों तरफ से आसानी से ठोक देंगे, बहुत ही आराम से दोस्तों, ज़्यादा तेज़ नहीं ठोकना है वरना ये सील मुड़ जाएगी और कट जाती है ज़्यादा तेज़ ठोकने से। जहाँ तक ठोकेंगे बस हमको चारों तरफ से ठोकना है इसको। अभी हमारी सील अपनी जगह ठुक चुकी है दोस्तों कंप्लीट, अब इसके ऊपर ये लॉक देख पा रहे होंगे आप, इस लॉक को लगाना है ताकि हमारी सील बाहर ना आए, इसलिए ये लॉक दिया जाता है दोस्तों। हम इसको अपनी जगह लगा देते हैं, ये हमने लॉक लगा दिया दोस्तों। अब इसके ऊपर एक रबड़ आती है, ये रबड़ होती है, इससे क्या होता है दोस्तों, ये धूल मिट्टी जाने से बचाती है हमारी रॉड में। तो हमें इसको ऊपर लगा देना है साफ करके, हम इसको इसको ऊपर लगाते हैं दोस्तों। ये हमारी रॉड लग चुकी है, हमारा हो गया कंप्लीट सॉकर दोस्तों। अब ये रॉड है, हम इसको कंप्लीट असेंबली फिट करके दिखाते हैं दोस्तों। अब हमारा काम हो चुका है, सीट फूट गई है, अब हम इसको टाइट करना है, उसके बाद हम ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल कितना पड़ता है वो हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों हमारा सॉकर हो चुका है कंप्लीट दोस्तों, अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से पहले ये हमें सबसे पहले स्प्रिंग डालना होगा इसके अंदर, हम स्प्रिंग को इस तरीके से डालेंगे दोस्तों। ये हमने इसके स्प्रिंग डाल दिया है और इसके ऊपर दोस्तों एक बार से रखिए, तो बार से डालना है हमें, और किसी किसी में बार्सल नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर बार्सल निकली नहीं है तो हम इसमें बार्सल डालेंगे। और ये दोस्तों सॉकर ऑयल है जो उसका सॉकर के अंदर पड़ता है, इसका ऑयल अलग होता है दोस्तों। सॉकर ऑयल की क्वान्टिटी कम से कम मिनिमम 160 से और मैक्सिमम 165 ग्राम इसके अंदर ऑयल पड़ता है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं इसके अंदर ऑयल डाल देता हूँ ये पूरा, और इसको कैसे करके डालना है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। आप
आप वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों ये मैंने डाल दिया है दोस्तों। अब इसको डालने के बाद एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, सॉकर ऑयल डाल दिया हमने, इसको कम से कम 2 या 3 बार इस तरीके से ऊपर नीचे कर ले ताकि इसके अंदर एयर हो, जो गैस होती है वो ना बन पाए और सॉकर ऑयल पूरी तरीके से इसके अंदर पहुंच जाए। दोस्तों अगर सॉकर कभी कभी ऐसा होता है हमने सॉकर ऑयल डाला और ऊपर से इसको बंद कर दिया तो इसके अंदर एयर कुछ रह जाती है और सॉकर ऑयल पूरी तरीके से अंदर नहीं पहुँच पाता है तो सॉकर दबने में दिक्कत होती है। तो उसको 2-3 बार ऐसे कर ले और सॉकर ऑयल पूरी तरीके से अंदर पहुंच जाएगा। उसके बाद हमें ये पोंगली डालनी होती है इसके अंदर। इसको डालने के बाद इसका ये नट होता है दोस्तों, यहाँ इसको टाइट कर देते हैं और ये हमारा सॉकर हो गया है कम्प्लीट दोस्तों। ये हमारा कम्प्लीट हो गया है और इसको हम ऐसे करके यूज चला कर देख सकते हैं, ये अपनी जगह प्रॉपर काम कर रहा है अच्छे तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो आपको। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।